जनता को फूफा जीजा बोलकर अपने वाहन में बैठाकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित अपराध नियंत्रण टीम द्वारा शहर में हो रही बोलेरो वाहन से ठगी एवं जेब कतरी करने वाले संदेहियों एवं बोलेरो वाहन के बारे में जानकारी लगने पर संदेहियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने वाहन में लोगों को फूफा और जीजा बनाकर अपने वाहन में बैठाकर जेब काटकर चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों से शहर में होने वाली अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कई अन्य चोरी करना भी स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ कर उन्होंने लोक सेवा केंद्र तथा पद्मधर कॉलोनी में हुई चोरी की घटना को कबूल किया। ये पुलिस अधीक्षक रीवा श्री सुशांत कुमार सक्सेना जी ने जब पदभार अपना ग्रहण किया था रीवा में उस समय मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं रीवा बहुत हो रही थी और एवरेज एक या दो मोटरसाइकिलें रोज चोरी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और सभी थाना प्रभारियों को सभी थानों को लगातार मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है। अभी एक दिन जैसे सामान थाने में 10 मोटरसाइकिलें एक साथ जब्त हुई थी, उसके पहले 6 मोटरसाइकिलें जब्त हुई थी, फिर एक बार 18 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। उसी क्रम में उसी टीम ने जो जिला स्तर पर जिसके मुखिया जो हैं प्रधान रक्षक अखिलेश्वर सिंह हैं, इसी टीम ने अभी 2 मोटरसाइकिलें फिर से बरामद की है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी का नाम रिंकू विश्वकर्मा है जो ग्राम मैदानी थाना चौहटा का रहने वाला है और दूसरा आरोपी सुनील पांडे है, ये भी मैदानी चौहटा का रहने वाला है। इन दोनों से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जिनके संबंध में थाना सिविल लाइन में पहले से बरामद हो चुका है।